अस्सलाम वालेकुम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। सो जी, ये सुहूर के वक्त है और अभी मैं खा रही हूँ फ्रूट चाट। तो मैंने इफ्तार में बनाई थी फ्रूट चाट, तो बची थी, मैं सोची चलो उसको सहर में ही खा लेती हूँ। एंड आज की जो मेरी सुहूर की पार्टनर है वो मेरी बेटी है, तो आज इसको फर्स्ट टाइम है जो जगी है, अदरवाइज़ वो सोई हुई होती है। एंड हस्बैंड को नहीं उठना क्योंकि उन्होंने जो है डिनर फुल अच्छे से कर लिया था, तो वो फुल है तो इसलिए उनको नहीं उठना था। तो बस मैंने एक रकली जो है कार्टून लगाई हूँ और मैं अपने मज़े से अपने फ्रूट चाट को एंजॉय कर रही हूँ। सो जी, आज जो है मैंने अपनी फ्रेंड को इनवाइट की हूँ अपने यहाँ, एंड बस अभी जो है मैं उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ। तो सबसे पहला काम जो मेरा होता है टेबल सजाना, वो मैं पहले से ही कर लेती हूँ। सो टेबल मैंने सजा दिया है और सब में मैं सब आइटम के मैंने उसमें चिट्स रख दी हूँ कि जो जो आइटम मैं फ्राई करके रखूँगी तो ईजी हो, मैं कुछ भूलूँ ना, तो इसलिए मैं ये करती हूँ, मुझे बहुत आसानी हो जाती है। अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ समोसे बनाने के लिए क्योंकि जो मेरे स्टॉक थी वो ख़त्म हो गई है, तो मुझे फिर से जो है फ्रेश बैच जो है बनाने पड़ेगी। एंड अभी मैं बना रही थी तो बीच में एक तरफ बहुत तंग करने लगी, तो मैं इसको छोड़ दी। मैं बोली चलो उसको सुलाने के बाद जो है मैं फिर से समोसे के काम करूँगी। सो खैर, इसके बाद जो है मैंने बना के रख दिया था, मैंने शूट नहीं किया था, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है। एंड बस जो सबसे पहले जो मेरी रेसिपी है वो है उस इसे बोलते हैं एग क्रॉकेट्स। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें मैंने जो है पोटैटो को ग्रेट कर लिया है, साथ में उसमें जाएंगे अंडे, तो मैंने दो बॉइल्ड अंडे लिए हैं और उसमें जाएंगे चीज़, पुदीने, हरी धनिया और सारे रेगुलर स्पाइसेस। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है, तो मैं सोची कि एग चॉप बना दूँ। तो लास्ट दावत में मैंने यही बनाया था, तो इस बार सोची मैं थोड़ी सी डिफरेंट बनाऊँ। एंड उसकी जो शेप है बिल्कुल मैंने एक कटलेट की जैसे रखी हूँ सेम शेप दी हूँ, पर जो टेस्ट है थोड़ा डिफरेंट है ये, और बहुत ही मज़े की होती है। सो जी, नेक्स्ट जो आइटम है वो मैं बना रही हूँ पास्ता। सो पास्ता सबको बहुत पसंद आती है, एंड बस मैंने पास्ता को बॉईल करनी थी, वो जो है बॉईल हो गई है। और इसके बाद जो है मैं टमाटर को और सूखे वाले मिर्चे को मैं 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ रेड सॉस पास्ता, तो जैसे वो 2 मिनट तक ये टमाटर और सूखे मिर्चे हो जाएंगे तो मैंने उसे ग्राइंड कर देनी है और एक स्मूथ पेस्ट बना लेनी है। शहरी रमबनी हदी सनती फुरबोल लिल्लाह
सो मेरा यहाँ रेड सॉस पास्ता हो गया है रेडी, और आपको कलर वीडियो में थोड़े से लाइट आती होंगे बट एक्चुअल में उसकी कलर बिल्कुल अच्छी थी। एंड उसमें मैंने जो है गार्निश चीज़ से कर दिया है खूब सारी, तो खाने में बहुत ही मज़े लगते हैं। एंड दूसरी तरफ मैं जो हूँ पतीला में इसको बेक करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये थोड़े से टाइम ले लेते हैं और ये मेरे पास आखिरी स्टॉक थी, तो अब मेरे पास कोई भी स्टॉक नहीं है। एंड ये वाले मैं बना रही हूँ चिकन पकोड़े, अब टाइम बहुत कम है मेरे पास तो मैंने फ्राइंग करने के लिए रख दिया है। तो पिछले दावत में भी मैंने ये बनाया था और ये दावत में भी मैंने यही बनाया, क्योंकि ये मैं स्पेशली दावतों में बनाती हूँ और बहुत ही मज़े की होती है। एंड ये मैंने चने की दाल को थोड़े से दरदरे मैंने ग्राइंड किया था, उसमें खूब सारी मैंने मिर्च डाली है। उसके जो पकोड़े होते हैं ना, इतने मज़े के होते हैं पकोड़े, मुझे प्याज़ू नहीं अच्छा लगता खाने में, मुझे ये वाले दाल के पकोड़े इतने मज़े होते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। तो खैर खैर, अब मैं बातें करूँगी कम, अब मेरे पास टाइम है बहुत कम। सो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले मैंने रख दिया टेबल पे। तो मैंने फूड क्रीम बनाई थी और छोले आलू के चाट बनाए थे, पास्ता थी रेड सॉस वाली, और वो एग क्रॉकेट्स थी, चिकन पकोड़े थे, समोसे थे, दाल के पकोड़े थे, और ये टू टाइप्स के जो है पैटिस थे। सो अभी हाँ, हम लोग आए हैं किचन में इफ्तार के बाद और अभी प्रेप हो रही है डिनर की। तो हम लोग दोनों आज मिलकर खाना बना रहे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड। तो आज खाने में बन रही है पुलाव बिरयानी, जो बहुत क्विक है, डब्बे वाले मसाले यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अभी जो है प्याज़ को चॉप कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है मैंने जो है चिकन को पकाने के बाद जो है मैंने राइस को डाल दिया था। बहुत ही क्विक रेसिपी है, पीछे उसकी सारी रेसिपी दी हुई रहती है, उसी को मेथड फॉलो करके हम लोगों ने बनाया है। एंड इसके बाद प्याज जो थी थोड़ी ज़्यादा जो है ब्राउन हो गई थी, तो ये अदरवाइज़ पुलाव बहुत ही मज़े की थी, बहुत ही मज़े की थी। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है ऐसे पुलाव, मेरी तो फेवरेट है। तो खैर अभी जो हम लोग दम पे रख देंगे वो पुलाव को। सो यहाँ पुलाव हो गई है रेडी, और ये मैंने पॉट इसके लिए निकाली है जिसको मैं इफ्तार देती, वो बैचलर लोग ऊपर में रहते मेरे, तो बस ये मेरे हस्बैंड जाके दे आएंगे, और मेरी फ्रेंड जो है वो भी नहीं खाएगी, तो उसके लिए भी मैं डब्बा बना के पैक कर दूँगी कि वो घर में मज़े से खा ले। और अभी जो हम लोग का प्लान है थोड़ा आउटिंग करने का, तो बस अभी मैं और मेरी फ्रेंड और हम लोग सभी जो है निकल जाएंगे आउटिंग के लिए। तो हम लोग यहाँ पर आए बवादी, तो यहाँ पर बहुत अच्छी डेकोरेशंस की हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तकरीबन हम लोग आए थे 12:30-1 बजे का था ये, और इतनी चहल पहल, इतनी रौनकें लगी हुई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे कोई ख़ास मकसद से तो नहीं आए, बस आए ऐसे विंडो शॉपिंग के लिए, एक आउटिंग हो जाएगा तो बस कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे, कुछ चीज़ें मेरी फ्रेंड देखेंगी, तो ये हो जाएगा आज का हम लोग का शॉपिंग। सनती फुर बोल लहिता ना, नियूलं यंसुची मर
सो यहाँ पर सैंडल बहुत अच्छी अच्छी बहुत प्यारी प्यारी मिल रही थी हम लोगों को, बहुत सी सैंडल पसंद आ रही थी, बहुत ही अच्छी थी कलेक्शन यहाँ की। पर मेरी जो मसला है ना, मैं जो हील्स वाली मैं नहीं पहनती, मतलब मुझे हील्स में ना आगे में बैलेंस चाहिए होता, लाइक वेजेस, मुझे वेजेस में जितने भी हाई हील्स हो मैं वेजेस आराम से मैं ना कैरी कर लेती हूँ। ये सारे हील, खैर ये वाली हील्स तो बहुत छोटी है, बट ये चप्पल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ना, बहुत प्यारी लगी, बट मैं फिर भी अवॉइड करती हूँ, मैं वेजेस पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं बस देख रही थी कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी थी ना, और एक वेजेस मुझे यहाँ पर लाइन से ना वेजेस रखी हुई थी, बट इसकी जो डिज़ाइन थी मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आ रही थी, बट ये वाली मेरी हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी और इसकी हील भी बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे, खैर मैं हील्स की वजह से ये मैं ले ली हूँ, अदरवाइज़ मुझे ये चप्पल में कुछ भी खूबसूरती नहीं दिख रहा था, तो खैर मैंने वो ले लिया था। अब मेरी फ्रेंड ने भी अपने लिए फ़्लैट लिया था, बस अब उसकी जो हो रही है बिलिंग। बस आज की हम लोग की जो शॉपिंग थी चप्पल से स्टार्ट हुई थी, तो ये है। सो जी, शॉपिंग हो गया हम लोग का डन, बस यहीं के साथ था मेरा आज का व्लॉग। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़ गाइज़।